नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 13वें दिन की कथा, अध्याय 13 में चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन और दृढ़धनवा राजा की कथा। ऋषि बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, दृढ़धनवा राजा को पुरुषोत्तम की आराधना से राज्य, पुत्र, पौत्र आदि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की प्राप्ति कैसे हुई। सो हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों को तृप्ति नहीं होती है, अतः इस पुरातन इतिहास को सविस्तार कहिए। हमारे भाग्यबल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास मैं आप लोगों से कहता हूँ। पाप नाशक दृढ़बंधा का चरित्र जैसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है वही आप सब मुनि लोगों को सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूह के साथ वह राजकुमार नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धनवा एक बार के कहने सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हों, ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उसका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज अब प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में मुझसे बढ़कर और कौन सुखी हो सकता है, राजा ने मन में सोचा। अब मैं निश्चिंत होकर दो भुजाधारी मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत, भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, शर्याति, शिवी, रतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, प्रथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार मैं भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर उनके धाम जाऊंगा। इसके लिए मैं अब स्त्री, घर, पुत्र आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर श्री हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर उल्हे ऋषि के आश्रम को चले गए, जहां सब कामनाओं का परित्याग कर निराहार रहकर निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु उन्हें परम धाम की प्राप्ति होने के समाचार से उसे हर्ष भी हुआ। इसके पश्चात विद्वानों के परामर्शानुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदर कन्या दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नामक सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर चार पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए।
दृढ़धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, शूर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी छहों शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान, समता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, पराक्रमी, श्रेष्ठ, धर्मवान मानो दूसरे है वंशीय कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी यज्ञ किया, इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर सूर्य को अर्ध दे तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वहां बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नीलगाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन में भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गए, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकते रहे। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़धनवा को अकेला बैठा हुआ देखकर एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा, जिसका अर्थ था, राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सिखों को देखकर तत्व अर्थात आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे? बार बार इस पद को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार गर्वित कठोर नारियल के समान गंभीर पद्म को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये श्री सुखदेव जी हैं जो श्री कृष्ण के सेवक मुझे संसार में डूबे हुए मूढ़ पर परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए हैं? राजा ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राज्य को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोते के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, गुमसुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एक दिन एकांत में आकर राजा से प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हो? उठिए, उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्गेय तोते के सत्य वचन स्मरण करता रहा और कुछ भी ना बोला। रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई, क्योंकि कई प्रयास करने के बाद भी वे अपने स्वामी की कठिन चिंता के कारण को जान नहीं सकी थी। इसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे नारायण, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो कहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 13वां अध्याय समाप्त।